एंड वेलकम बैक टू वंस अगेन UK02 पहाड़ी व्लॉग प्लस इंडियन स्ट्रीट व्लॉगर में। आज इंडियन स्ट्रीट व्लॉग और UK02 पहाड़ी व्लॉग इसलिए बोला क्योंकि कंफ्यूज होते हैं। एग्जैक्टली मेरे चैनल का नाम है इंडियन स्ट्रीट व्लॉगर एंड जो मेरा यूजर नेम है वो है UK02 पहाड़ी व्लॉग। सो कन्फ्यूज मत हो, ये आज का व्लॉग स्पेशल करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि आज मेरी छुट्टी है और मैं सोच रहा था कि हर छुट्टी वाले दिन मैं अपने लिए नॉनवेज तो बनाता ही बनाता हूँ, इसलिए आज आपको एक घर जैसी रेसिपी, माफी होटल जैसी नहीं, घर में कैसे चिकन पकाते हैं वैसे तो आप लोगों को पता ही है, बट एक बार मेरे स्टाइल से भी देखिए और मेरे स्टाइल से चक्के देखिए कि कैसा बनता है। मैं आज बिल्कुल आप लोगों को दिखाने वाला हूँ चिकन करी होम स्टाइल कैसे बनाते हैं। ओके, सो लेट्स टेक अ राइड विथ यू कि कैसे आप लोगों को मैं शो करता हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें ले रखी है क्या। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहले हमने ले रखा है 1 kg फ्रेश चिकन, उसके बाद है लेमन, ओके हमारा यहाँ पे 2 tomato and 3 onion, ओके ये यूज करने वाले हैं हम सनफ्लावर ऑयल, ये है ग्रीन चिली स्लिट्स कटिंग और ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड दिस इज द स्पाइसेस। इसमें बता देता हूँ क्या क्या है। इसमें है आपका धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 2 चम्मच और रेड चिली पाउडर 1 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच। ओके, अगर आप इच्छुक हो इसमें ऐड कर सकते हैं चिकन मसाला जो आप लोगों को पसंद हो तो उस हिसाब से, वरना नहीं कर सकते। ये मेरा सेटअप है आज का, इतनी मेहनत करिए आप लोगों को सेटअप बनाने में, सीरियसली देखिए पूरा किचन का सामान बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाने के लिए बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, लेके ऊपर वाले का नाम और आशा करता हूँ कि इस पे ज़रूर एक अच्छे लाइक और कमेंट मिले आप लोगों के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने ले लिया एक देसी बर्तन, कढ़ाई टाइप का है जो हांडी टाइप का, इसमें बनाते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले हम गैस शुरू, यहाँ से बटन लगा के इसको बस। अब हमने कर दिया इसको ऑन और यहाँ पे होने लग गई है हीट चालू, जब तक इसका मेजरमेंट हीट। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम डालते हैं इसमें अपना सनफ्लावर ऑयल। ओके, किसी ब्रांड का वो नहीं करने गए, बस 3 tablespoon ऑयल। ओके, अंदाजे के हिसाब से डालो या 3 डालो, ओके क्योंकि ज्यादा ऑयल भी नहीं चाहिए हमको, ज्यादा ऑयल हमको पसंद ही नहीं है खाने में, ना खाने में ना खिलाने में। ओके, तो फिर जब तक हमारे हीट की वो होती है, ऑयल की हीट बढ़ती है तब तक हम लोग, ओके तो बस हमारा ये हीट पनप चुका है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें अपना ऑनियन और ऑनियन के जस्ट 1 सेकेंड बाद हम इसमें डालना शुरू करेंगे आपका ग्रीन चिली स्लिट्स कट। ओके, जैसे हल्का सा तेल में अगर हो जाता है ऑनियन, हल्का सा मतलब ज्यादा भी नहीं, तो आप उसके बाद डाल सकते हैं इसमें ग्रीन चिली। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनियन ऐसा उम्मीद हो ऐसा उम्मीद हो, ठीक है, क्योंकि ऑयल की जो गैस की हीट है वो ज़्यादा कर रखी है हमने ताकि ऑयल अच्छे से जो है ऑयल भी पक जाए, ऑयल भी थोड़ा कच्चा कच्चा ना रहे इस वजह से। ओके, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ अपना ग्रीन चिली स्ट्रिप्स जो काट रखी है। ओके, अब हमने वेट करने देना है कब तक, जब तक हमारा ऑनियन थोड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, ना गोल्डन ब्राउन इसलिए है क्योंकि मैंने जो है प्याज और टमाटर का पेस्ट नहीं बनाया। अगर आप लोग ग्रेवी लेना चाहते हैं, बेहतरीन ग्रेवी लेना चाहते हैं, वैसे तो ग्रेवी इससे भी आ जाती है, कोई जरूरत नहीं है आपको उस लेवल पे करने की। अगर आपको बेहतरीन लेवल की ग्रेवी चाहिए तो आप अपना प्याज टमाटर का पेस्ट बना के भी यूज कर सकते हैं एज इट इज सेम टाइम। जैसे रॉ ऑनियन डाला हमने, रॉ ऑनियन की जगह आप पेस्ट डाल सकते हैं ऑनियन का, ओके ग्रीन चिली का पेस्ट डालने से अच्छा है आप
स्लिट ले, स्लिट क्या है बाद में खाने में भी मजा आता है इस चीज को। ओके तो एक बात और बता दूं आपको कि जो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे लेमन का, आप लोग देख रहे होंगे लेमन का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, वो मैं कर रहा हूं इन द एब्सेंस ऑफ कर्ड। ओके सेम है लेमन, यहाँ पे बोलते हैं छाछ को, जो होता है छाछ, यहाँ पे छाछ आपको वैसा नहीं मिलता पतला पानी जैसा, यहाँ पे आपको एकदम थिक मिलेगा। सेम एक्टिव आप जैसे दही को फेंट देते हैं ना, दही को फेंटने के बाद जो बनता है वही यहाँ पे लेमन के रूप में मिलता है हम लोगों को। तो मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, आप लेमन की जगह दही भी यूज कर सकते हैं, पर आप दही को अगर फेंटेंगे तो उसने वही हो जाना है थिकनेस वाला वाटर पदार्थ टाइप का हो गया आपका, तरल पदार्थ। ओके तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि कैसे मींस, देखिए ये है ओनियन जो हो रहा है, ओनियन कोशिश कीजिए कि ओनियन जो है बारीक कटा हुआ होना चाहिए, ज्यादा मोटा भी नहीं, ताकि ओनियन का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो आपके उसमें जल्दी गल जाए और फिर कुछ पार्ट रह जाए कच्चा कच्चा टाइप का, इसलिए आप ओनियन को थोड़ा बारीक ही रखें, ज़्यादा बारीक भी नहीं, मीडियम में होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बारीक भी फिर गल जाता है, बिल्कुल ही जीरो पॉइंट ऑफ व्यू में चले जाता है। और टमाटर के जो आपने क्यूब्स काट रखे हमने, ज़रूरी आप टमाटर को फाइन चॉप करके डालें, क्यूब काट सकते हैं, क्योंकि क्यूब्स काटने के बाद जब आप मसाला डालेंगे तो वो एग्जैक्टली उसमें हो जाएगा। मसाले से याद आया, नमक, नमक आप इसमें बेशक अपने स्वाद अनुसार ही डालें। ओके और स्वाद अनुसार तो डालना ही डालना है नमक, बट इसमें आप एग्जैक्टली टमाटर को गलाने के लिए एक लिटिल लिटिल टीस्पून ऐड कर सकते हैं, बाकी आप अपना टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर दीजिए, कितना आपको क्या ऐड करना है। ओके बाकी मैं टमाटर गलाने के लिए आपको सबसे पहले यही बताऊंगा कि टमाटर गलाने के लिए 1 टी स्पून जरूरी है नमक का। ओके क्योंकि इसमें हम लोग होटल की तरह नहीं वो सब यूज़ कर रहे हैं जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं होटल लाइन में। ओके वो चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए नमक 1 टी स्पून ऐड करना जरूरी है। यहाँ पे हमारा प्याज हो चुका है लेकिन गोल्डन ब्राउन, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। ओके तो अब मैंने इसमें ऐड करना है क्या, सबको पता है प्याज के बाद हमेशा बारी होती है बनी देने की टमाटर। ओके तो टमाटर मेरा दो कंसेप्ट है, ठीक है, कोई टमाटर से पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देता है, कोई बाद में डालता है जैसे कि मैं, क्योंकि मुझे जो है मेरे को गार्लिक फ्लेवर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगर हम टमाटर से पहले डालते हैं तो उसका जो गार्लिक फ्लेवर है, थोड़ा जो जिंजर फ्लेवर है वो थोड़ा मर सा जाता है, तो इसलिए टमाटर डालने के वही जैसे हमने प्याज डालने से ठीक 1 मिनट बाद हमने वो डाल दिया था ग्रीन चिली, वैसे ही ठीक 1 मिनट बाद आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट बता देता हूँ मैंने कितना किया है, मैंने 1 फूल गार्लिक लिया है और 1/2 कट इतना सा जिंजर लिया है, मीन्स कि आप अपने हिसाब से जितना केजी आपका सामान है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मेरा 1 केजी चिकन है तो मैंने उस हिसाब से एक पूरा फूल लिया है। मैं वैसे मेरे को पेस्ट पसंद नहीं है यूज करना, बस मैं वो आप लोगों के लिए किया मैंने पेस्ट यूज, क्योंकि मेरे को रॉ गार्लिक पसंद है ज़्यादातर। तो फिर आप कहोगे कि सारी रेसिपी तू अपने हिसाब से बना रहे हैं तो फिर क्या फायदा वीडियो बनाने का, तो मैं वही आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से जो मैं पका रहा हूँ, जो मैं खिलाना चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोग वो चीज देखिए, ट्राई कीजिए घर पे अपने और बताइए कि कैसा बना है, और मेंशन जरूर भेजिएगा नीचे UK02 चाहे इंडियन स्ट्रीट फ्लॉगर के नाम से, दोनों के नाम से मैं जरूर आपको दिखाई दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं दिखा दूंगा आपको। ओके हमने आप इसमें डाल देना है मसाले अपने जो मसाले हैं, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए ना,
सारे मसाले हमने अच्छे से डाल के मिला देना। वैसे लोग कहते हैं कि चिकन में पानी डालना चाहिए थोड़ा बहुत, ये वो, मैं आपको पानी डाल के दिखाऊंगा कि मैं कितना डालता हूँ। और मेरे ख्याल से तो चिकन में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, क्योंकि चिकन खुद अपना पानी छोड़ देता है। ओके, तो चिकन खुद अपना पानी छोड़ देता है, तो हमको क्यों ऐड करना है पानी इसमें। तो वही है, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है कौन कैसे क्या करता है। देखिए मेरा जो मसाला है वो ऐसा है फिलहाल, अभी इतना थिक। अब ये मसाला में से जब तक ऑयल रिमूव नहीं, इसको हिलाना है, डुलाना है, तब तक हमने कोशिश करनी है कि इसमें से जो ऑयल है वो रिमूव हो जाए अच्छे तरीके से। तो तब तक हम चलते हैं एक कवर लेने के लिए। ओके, कवर तो ऐसा रूम पे अवेलेबल होता नहीं है, सेम एट इज होटल के टाइप का। ओके, बेसिकली किचन ये है हमारा, बट मैं आप लोगों के सेटअप के लिए मैंने आउटसाइड सेटअप कर रखा है किचन का। क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी है, किचन इतना बेहतरीन और खुले प्रकार का नहीं है हम लोगों का, जो आप लोगों को हम अच्छे से दिखा सकते हैं। ओके चलिए, ताकि मसाले भी आपके प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से कंबाइंड होके बिल्कुल ऑयल जो है वो ऑयल थोड़ा थोड़ा, वैसे हमने ज्यादा ऑयल नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा उसमें से ऑयल रिमूव हो जाए। ठीक है, रिमूव मीन्स हटना नहीं, आपका जो मटेरियल है, जो मसाले हैं, ओके, वो सब नीचे हो जाए और जो फैटी ऑयल है वो ऊपर फ्लोट होने लग जाए। ओके, तभी आता है चिकन में मजा, जब मसाले अच्छे से पके हों। ओके, तो चलिए इंतजार करते हैं मसालों का पकने का, तब तक बने रहे ब्लॉग को देखते रहे। अगर आप स्किप करेंगे तो बीच में हमने क्या चीज स्पेशल चीज एडिट किया है वो आप मिस कर देंगे। ओके, तो चलिए बने रहे ब्लॉग वाले हमारे अच्छे से थोड़ा। अब बारी है हमारे लबन डालने की। दोबारा बताना चाहूंगा, लबन के जगह आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही को फेंट के। ओके, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है, क्योंकि हमने टमाटर भी ऐड कर रखा है वैसे। ओके, क्योंकि अगर आपने टमाटर ऐड कर रखा है तो फिर आपको जरूरत नहीं है और दही दूध डालने की। बट एक ही है कि इससे आपकी जो ग्रेवी होगी ना, उस ग्रेवी का जो टेक्सचर है, जो टेस्ट है, वो टेस्ट ही अलग निकल के आएगा। तो इसलिए दही यूज करते हैं, दही जो भी आप यूज करना चाहें। गैस हमने फुल करनी है, गैस फुल करने के बाद हमने, तो देखिए कुछ इस प्रकार का दिखने जा रहा है हमारा जो मसाला हमने दही यही ऐड करके बनाया है, पूरा कुछ इस प्रकार का होने वाला है टेक्सचर। बाद में आप जब देखेंगे, अब इसमें बारी है हमारा 1 kg फ्रेश चिकन ऐड करने की। ओके, तो देखते रहिए आज इसमें बारी है चिकन कैसे ऐड करना है, 1 kg चिकन ऐड करने की। ओके, अब हमने चिकन को इसमें चलिए आखिरकार 5 मिनट हो गया इसको मसालों के साथ तालमेल करते हुए। 5 मिनट इंतजार करके क्या फायदा, मतलब आप ऐसे फालतू की वीडियो बनाते आप स्किप करते। तो 5 मिनट धीमी आंच पे रखना जरूरी है ताकि मसाले अच्छे से हो जाए। हमने एक बार इसको वो करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बनता है, फिर आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें
पानी डालिए। ये है कुछ चिकन का हाल। तो चलिए आप वक्त है इसमें पानी डालने का। मैं ज्यादा पानी नहीं डाल रहा हूँ, एक छोटा ग्लास जैसे चाय का ग्लास होता है उतना डाल रहा हूँ। अपने लिए बना रहा हूँ, कोई किसी बोलने के लिए नहीं। ओके और पकाना है बस लास्ट खलास, उसके बाद आप लोग मैं नमक तेज करना तो भूल ही गया। मेरे हिसाब से तो फिट है क्योंकि मेरे तो थोड़ा चटपटा भी बहुत है भाई साहब। काश यहाँ पे लिटिल 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 होते तो मजा आता है इसके साथ खाने के लिए। चलिए आपको एंड का प्रोसेस दिखाता हूँ गार्निश का थोड़ा बहुत कि बॉल में कैसा लगता है। ओके चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग में। एंड तक जरूर देखिएगा प्लीज क्योंकि एंड में ही गार्निश मिलेगी आपको। ओके मैं कोई फोटो लेके कहीं से लगाने वाला नहीं हूँ, बस आप लोगों के लिए खुद एक छोटा सा खींचने वाला हूँ। ओके चलिए आगे। सो अब वक्त है इसका पर्दाफाश करने का। ये देखिए क्या बेहतरीन टेक्सचर है, क्या बेहतरीन कलर है। चिकन करी जैसा मजा नहीं कहीं खाने में। देखिए आप क्या बेहतरीन कलर है और मसाला अच्छे से घुट गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। देखो हर एक चीज अच्छे से सनी हुई है इसमें। देखो अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाता हूँ, एक छोटी सी प्लेटिंग। देखिए बेहतरीन चिकन करी आ गई है आपके सामने। देखिए इसको बोलते हैं चिकन करी होम स्टाइल। ओके अगर आप इसके ऊपर थोड़े से कोरिएंडर लीव्स धनिया के पत्ते से गार्निश करें तो एग्जैक्टली मेरे पास है नहीं अभी तो मैं कोशिश करूंगा। सो अब वक्त है व्लॉग की एंडिंग का और इसको टेस्ट करके बताना है आपको क्या चीज बेहतरीन है क्या चीज नहीं है। इसका कलर देख के इसका जो ऊपर का जो ऑयल है वो देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें चटपटा होने वाला है भाई साहब। तो चलिए करता हूँ टेस्ट। वाओ आप देख सकते हैं ये अच्छे से पका हुआ है बिल्कुल लाजवाब तरीके से। आहा इसके साथ मस्त अगर भात होता चिकन करी विथ राइस। मुंह में पानी मत लाओ, जल्दी से बनाओ और मुझे दिखाओ, मुझे भी चिढ़ाओ। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्लॉग में बने रहिएगा और जो भी प्यार दीजिए। ओके बाय बाय।